में। जा रही मम्मी बनारस, बनारस से उसका दिल्ली का ट्रेन है और जा रही बड़ा था। हाँ? दो दिन छुपा रहा। कहाँ पे छुपे थे? दो दिन सही में, चेहरा तो पता ही नहीं चला तुम्हारा। दो भी सही में बारात में नहीं जी आया क्या इन्विटेशन? कार्ड मिला है उनको लड़की वालों की। दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल नीरज फुटिन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 7 मार्च और कल है महाशिवरात्रि और आज जा रही मम्मी बनारस, बनारस से उसका दिल्ली का ट्रेन है और जा रही बड़े भैया के पास, अपने बड़के बेटे के पास। ब्लॉग अपलोड होगा और मम्मी फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही है, विकास तो हम भी जा चुके हैं और तुम यही कर सकते हो बेटा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो मम्मी को भी जा रहे हैं बस में बैठाने, 2 बजे तक बस आ जाएगा और शाम तक 6 से 7 बजे तक बनारस पहुंच जाएगी और उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन है मम्मी की। और अभी हम भी आए हैं जस्ट शॉप से और चल रहे हैं, अभी लंच करते हैं। पहले मम्मी को बस में बैठा लेते हैं फिर आते हैं, लंच करते हैं। गुड बाय टाटा, गुड नाइट। गुलाब जामुन बनाया है तो बोला जाते ना कि क्रेडिट भैया 2000 गुलाब जामुन बनाए हैं। नहीं नहीं है। हम कह रहे वो भी खा लेना। अच्छा तो सीधे बोलो, पहले बोला जाते भैया गुलाब जामुन हम बनाए खा लेना। नहीं हम नहीं अकेले बनाए, ये पूरा बनाई, हम तो हेल्पर थे। तो चलिए पहले हम भी खाना खा लेते हैं तब फिर मम्मी बस पे बैठाते हैं। मेरा नया लुक देख रहे होंगे आप, मैंने पूरा बियर्ड हटा दिया था इसलिए ब्लॉग नहीं कर रहा था। 12th क्लास के बच्चे। और कौन से क्लास के बच्चे? 12th क्लास। गजब बेइज्जती है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे इसलिए। हाँ थोड़ा सा आगे है इसलिए कर रहे हैं, बच्चे समझदार समझ गए। हम लोग के सामने भी नहीं आ रहा था। हाँ? दो दिन छुपा रहा। कहाँ पे छुपे थे? दो दिन सही में, चेहरा तो पता ही नहीं चला तुम्हारा। दो दिन सही में नहीं दिखा। दिखे थे आंटी, ऐसा मत कहिए यार, सब सबको देखा था, आप ना देखी अलग बात है। गजब बेइज्जती है यार। तो अभी आ गया थोड़ा सा, अब हमारा प्लानिंग है कि हर समय क्लीन रखें। कमेंट करके बताइए कैसा रहेगा, बियर्ड रखें या क्लीन रखें? क्योंकि काफी सालों का 10 से 15 साल में बियर्ड रखा है और अब प्लानिंग मूड थोड़ा सा चेंज हुआ है कि थोड़ा सा क्लीन शेव में रहे। तो कमेंट करके बताइए कैसा रहेगा, इस क्लीन शेव में रहे या बियर्ड लुक में रहे? तो गाइस फाइनली जाने का टाइम आ गया, जा रही है अब और पंछी जा रही है विदाई करने। इधर उनकी बहू, इधर अम्मा बैठी हैं, मम्मी जा ही रही है, इधर आंटी सब छोड़ने आए बाहर बाय बाय बोलने के लिए। जाओ। A few hours later. तो गाइस दोपहर में मम्मी चली गई थी और बस मिल गया था, अभी पहुंची रावण से बात हुआ। और देखिए इधर कौन आया है, हन्नू, काफी दिनों के बाद ब्लॉग में आ रहा है। स्वागत तो करो हमारा, आप बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं तो ये बेंगलोर चला गया था, 6 महीने बाद ब्लॉग में आ रहा है और छुट्टी पे आया, फिर होली से पहले चला भी जाएगा 19 को और ये होली बार यहाँ से लेट करेगा। कहाँ करेगा? बेंगलोर में। तो सब बेंगलोर को होली मनाएगा और ये अपना जान ही रहे टिंगू यीशु। और अभी सब बच्चों का चल रहा है एग्जाम बोर्ड का, सबका भी इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। हनी का भी चल रहा है 12th का पेपर। ब्लॉग में कब आए हुए सब बच्चे ये बता दो। ये देखिए अभी अभी ये देखिए पढ़ाई के नाम पे मैच देख रहा है। ये धोखा ये कैसे सबको मालूम चल रहा होगा कि पढ़ रहा है ऊपर। नहीं नहीं पढ़ रहा है बस अभी मैच कर रहा था, पढ़ रहा है। अच्छा लोगों का बहन अंदर आना चाहिए। साइड ले रहे बेटा तुम भी बजाने के लिए। तो ये देख रहा था अभी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग और अभी खोल दिया, देखिए एक दिन जाएगा कैमरा ऑन होता ही खोल दिया अपना ऑनलाइन क्लासेस का। नेक्स्ट टाइम कैसे देखते हैं? होली पे नहीं रुको यार तुम। नहीं भैया रुक जाओ। अरे मेरा कल से क्लास स्टार्ट हो चुका है, हम 12 दिन का छुट्टी लेके यहाँ पे अभी है। चलो तुम एंजॉय करो, तुम जाओ, तुम जाओ। बाय बाय। हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। तो काफी दिन बाद नहीं आ रही ब्लॉग में क्योंकि चल रहा है इसका एग्जाम 12th का और मैक्सिमम पेपर हो चुके हैं। कितने पेपर हो गए? हो गए 6 से 2 बचे हैं, 4 हो गए। 4 हो गए, 2 बचे हैं। और गोलू का भी चल रहा है, लगभग लगभग सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है अभी। 15 तक खत्म होगा, 15 तक सारे बच्चों का जी। 15 मार्च को पेपर सब खत्म हो जाएगा, इसका 12th का है, बोर्ड पेपर चल रहा है और 12th को ही खत्म हो जाएगा इसका। 8 में है ये अभी और सब पेपर सभी बच्चों को पेपर चल रहा है इसलिए ब्लॉग में नहीं आ रहे थे। आज थोड़ा सा फ्री देखे हम भी, तुम आ गए ब्लॉग लोग के साथ बनाने। बाकी ये तो है ही है पाउडर लगा के रेडी। और गोलू तुम्हारा पेपर कैसे जा रहा है? कट 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 कैसे बड़े वो लग रहे
हाँ तो काफी दिन के बाद इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं ना, चिकने हो गए थे इसलिए ब्लॉक काफी दिन के बाद कर रहे हैं। रवि के रवि की नहीं, रवि की वाइफ को हुआ है। और नीचे देखिए बनी घास खाते हुए लड़की हुई है। पहला सेकंड पहला तो लड़का है। तो तुम्हारा पेपर कैसे जा रहा है? तुम्हारा पेपर कैसा गया? क्या है तुम तैयारी की भगवान की कृपा से हो रहा पेपर? चलो एग्जाम के बाद होली है, अच्छा है, सब एग्जाम खत्म, बाबा लाइची बनना है। तो गाइस कल है शिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल बाबा शिव जी का बारात निकलेगा। कहाँ बारात में आया क्या इन्विटेशन? नहीं निकलता है शक्तिनगर में? शक्तिनगर निकलता है क्या? अभी तो कड़ी बारात में गए थे हम। अरे हम ही लोग तो गए थे। हाँ गोलू भी गया था, उसको हनी भी गई थी, हनी नहीं गई थी कल? रेनू कोट में ही, रेनू कोट में है शायद, रेनू कोट में ही होता है रेनू कोट, यहाँ होता है ना होली के बाद। अरे होली के बाद कौन सा? अरे नहीं समझी, नहीं समझी तो ये नहीं समझी। अरे जो बाहर होता है हमारे घर के बाहर, फटीचे वाला होली कुछ भी फटी ये महावीर जयंती कहाँ खो जाती है, इसलिए बोला थोड़ा सा बादाम खा लिया करो भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी वट कर महाशिवरात्रि का आप कह रहे हैं। चलो रेणुकूट है, रेणुकूट हाँ सकते, या फिर शक्तिनगर चलो, मतलब त्योहार मनाना है घर से बाहर भी नहीं जाना। हाँ बारात भी देखना है घर से बाहर भी नहीं जाना, नहीं इस टाइप की प्राणी है ये। शक्तिनगर तो गाइस कल हम सकते जाएं कहीं, कोहरोल का मेला तो नहीं जाएंगे, शक्तिनगर मेला जाएंगे। तो दोस्तों ये पागल हो चुके हैं तीन के तीनों, भैया ऊपर से निकल गया क्या? तीनों तीनों पागल हो चुके हैं भैया, आप बताइए क्यों पागल हुए, हनी बताएगी। मतलब ब्रिज के ऊपर चला गया। हाँ लेकिन ब्रिज तो पूरा बोलना था ना, तो जो समझना समझ गया ना, तुम नहीं समझी एक्चुअली। तो क्या बात थी कि मम्मी जा रही है पहुंची रावर्सगंज, और एक बगल भैया है वो भी बस का ही वेट कर रहे थे, तो वही कंफर्म कर रहे थे कि बस ब्रिज के ऊपर से गई है या नीचे से। मैंने बस बोला बस ऊपर से गई है कि नीचे से, तो ये सब मजे ले रहे हैं। नहीं तो भैया तुमने बोला क्या, बस ऊपर से गई है? हाँ तो बस ऊपर से गई, मतलब ब्रिज के ऊपर से गई, नहीं तो पूरा बोलना था ना। तो मम्मी समझ गई ना, तो मम्मी समझ गई ना, मम्मी समझ गई तो बोले नीचे से गई। बहुत जाम लगा है ओबरा में, ओबरा में एक घंटा जाम पूरा, एक से डेढ़ घंटे जाम, डाला से लेके ओबरा तक में डेढ़ घंटा जाम, फिर उसके बाद निकलने के में एक घंटा। 11 बजे तक उनका ट्रेन है, संजय भाई का ट्रेन भी है 11 बजे। संजय भाई कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। सब मम्मी अयोध्या जा रहे हैं। चलो यार अयोध्या।